इधर उधर ध्यान जाएगा तो ऐसे ही सिंपल शॉट मिस होंगे। जीतना है ना तुम्हें? हाँ। सुमन, आज ही तुम्हारा लास्ट ट्रेनिंग सेशन है मैच से पहले, तो आज जान लगाओ ना यार। कम ऑन, एक बार ट्राई करते हैं। चलो सुमन, मैच तुम्हारा है, बढ़िया ट्रेनिंग में जान मैं लगा रहा हूं। पूछो क्यों? क्योंकि मैं मेजर सुमन को जीतते हुए देखना चाहता हूं। और मेरा पूरा ध्यान बस एक ही बात पर है कि जब मेरी मैच होगी तुम यहां नहीं होंगे। सुमन, मैं जानता हूं कि मैं वहां नहीं रहूंगा, पर तुम तो होगी ना, तुम्हारा मैच होगा। और जिस सुमन को मैं जानता हूं उसे हारना पसंद नहीं है। श्रवण, मैंने लाइफ में हमेशा सब कुछ रूल्स के हिसाब से किया, आर्मी के लिए, जीतने के लिए, हमेशा। पर क्या एक बार मैं एक वाइफ की तरह फील नहीं कर सकती? मेरा श्रवण मेरे साथ नहीं होगा, क्या मैं इस बात को लेकर उदास भी नहीं हो सकती? मैं अपनी सुमन को कभी उदास नहीं देख सकता। ये बात मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ कि आम लोगों की तरह इमोशंस दिखाने के लिए हमें दो बार सोचना पड़ता है। लेकिन सुमन, अब तो तुम उदास हो चुकी ना, है ना? अब मैं मैच में आऊं या ना आऊं तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मुझे सिर्फ तुम्हारी जीत चाहिए मेजर तिवारी। गॉट इट? जो सडनली स्कूल के दिनों की याद आ गई, से हम साथ में खेलते थे, जीतते थे, और तुम्हारे साथ सब कुछ इतना आसान होता है जैसे जैसे कभी कुछ मुश्किल था ही नहीं। एग्जैक्टली। पर अब तुम्हारी पोस्टिंग कहीं और होने वाली, काश तुम कहीं नहीं जा रहे होते। यार सुमन, तुम्हें पता है ना कि मुझे फील्ड पे एक्टिव ड्यूटी पे रहना ज्यादा पसंद है एक्शन के बीच। तुम आई नो, इसलिए मैं यही प्रे करूंगी कि तुम्हारी पोस्टिंग वहीं पर हो जहां तुम खुश हो। लेकिन मैं सबसे ज्यादा खुश तो अपनी सुमो के साथ रहता हूँ ना, बड़ी बात तो तुम्हें पता है। लेकिन अगर अभी हम यहां से नहीं गए ना तो मैं यहीं रह जाऊंगा। चले चल। यू नो व्हाट, शादी करने का मुझे ऐसा लग रहा है। मेजर सुमन, कैप्टन श्रवण, कॉन्ग्रेचुलेशंस मेजर। एक्साइटेड प्रमोशन पार्टी के लिए? यस सर। पार्टी कब है सर? दो दिन बाद। आप तो आएंगे ही कैप्टन? ऑब्वियसली सर, ये मेजर सुमन की लाइफ का सबसे बड़ा मोमेंट है। इनके साथ मैं भी प्राउड फील कर रहा हूँ। इसे मिस कर दूं? इम्पॉसिबल सर। अच्छा लगा जान के। चलिए, यू गाइस कैरी ऑन सर। जय हिंद। जय हिंद। तुमने मुझे पार्टी के बारे में क्यों नहीं बताया? क्या बताती तुम्हें कि तुम यहाँ पर हो नहीं और मेरी प्रमोशन की? जब तुम मुझे बताओगी तभी तो कोशिश करूंगा ना रुकने की। मेरी वाइफ कमाल कर रही है यार, मैं तो सबसे आगे खड़े होकर तालियां बजाऊंगा। श्रवण, तुमने अभी अभी जो कुछ भी सर को कहा जो बहुत अच्छा लगा। झुमरी, खाना बनाते समय ना टेस्ट कर लिया कर, दाल में नमक कम है। लाइए मैडम जी, हम अभी डाल देते। रहने दे, मैं कर रही हूँ ये, वरना तूने तो मेरे पुत्र को बिना नमक वाली दाल खिला देनी थी। वाओ भाभी, लगता है यार सब कुछ श्रवण का फेवरेट बना है। हाँ? कितना खुश हो जाएगा ना वो। वैसे वो है कहाँ? तैयार हो रहा है वो, पर पता नहीं इतनी देर क्यों लग रही है उसे।
छोड़ो, तुम छोड़ो ना। श्रवण हमेशा तुम ही करते हो ना। छोड़ो, मैं कर रही हूँ ना। मुझे भी आता है ना। मुझे पता है, हमेशा से तुम ही करते हो ना। एक दिन मुझे करने दो प्लीज। अच्छा, तो मेरे ही कपड़े पैक करने के लिए आज लड़ाई करने का मन है मुझसे? अपने पति पे हक जताने का। वैसे ज्यादा हक है नहीं जताने के लिए। मेरा मतलब वो एक्चुअली दो चार ही कपड़े पैक करने के लिए। तुम कपड़े देखो, हक का मैं देख लूंगी। अच्छा, सोच लो, अगर मुझे आदत पड़ गई ना इस सबकी, तो आगे से मैं जब भी बाहर जाऊंगा तो मेरे सारे कपड़े तुम्हें पैक करने पड़ेंगे। डील? सील्ड। तुम मुझे ऐसे ही देखते रहोगे, मैं ऑकवर्ड फील करूंगी। मैं भी फील ही तो कर रहा हूं, आपको इतने प्यार से आपके कपड़े पैक करे, वो खुशी, वो रोमांस, वो सुकून अलग ही तो है। मेरी सुमो, मेरा सुकून। तुम ऐसे ही फिल्मी लाइन मुझे चिपकाते रहना, लेट नहीं हो रहा तुम्हें? अरे, अब तू कहाँ चली बिना बताए? हाय मम्मी, कैसे हो आप? सब बढ़िया? कभी तो सीधे मुझे जवाब दे दिया कर अपनी माँ को। मैं भी कभी सीधी बात कह दिया करो ना मम्मी। ठीक है, तो सीधी बात बोल रही हूँ, जा जल्दी से बाजार से 2 किलो प्याज ले गया, दौड़ के जा। अरे पर अभी तो मैं सुमन से मिलने जा रही हूँ। बेटा कंचन, सुमन की शादी हो चुकी है, कम से कम अब तो उसको दीदी बोल ले। हाँ, शादी के बाद ना उसका दूसरों के साथ रिश्ता बदला है, मेरे साथ नहीं। मेरी तो अभी भी बहन ही है ना। कुछ भी बोलते हो आप, मैं जा रही हूँ। और प्लीज डमरू भैया को बोल के प्याज मंगा लीजिए। अरे अरे, डमरू कहाँ गायब है? सुबह से कहीं दिखाई नहीं दे रहा। फेवरेट सुमन दीदी। दीदी वो छोड़, तू श्रवण के जाने से, सुमन तू तो हमारी फैमिली की सबसे स्ट्रॉन्ग मेंबर है ना, तू ऐसा करेगी? और फिर कुछ दिनों की तो बात है, फिर तो वो बात बता कंचा, स्ट्रॉन्ग होने का क्या मतलब होता है? क्या मैं किसी अपने के जाने पर रो नहीं सकती, उदास नहीं हो सकती? क्या मेरा मन नहीं दुख सकता? नहीं, यही बात श्रवण से भी कही थी। I'm sorry यार, मैं भी बाकी idiots की तरह ना। मुझे पता है, कल उसके CEO का फोन आया था, उन्होंने श्रवण से कहा कि उसकी पोस्टिंग कहीं और हो गई है। कहाँ? पता नहीं, वो तो जब ड्यूटी पर रिपोर्ट करेगा तभी पता चले। सुमन कहाँ है?
वो नीचे नहीं आई। नई दुल्हन के लिए अपने पति को जाता हुआ देखना आसान नहीं होता है। मैं समझ सकती हूँ उसकी उदासी। उदास तो होगी जी, पर आप एक बात भूल जाती हैं, हमारी बहू अलग है। उसे पता है कि श्रवण को काम पर जाना है, और फिर आर्मी वाली है, स्ट्रॉन्ग है। जल्दबाजी में कहाँ ध्यान जाता है सुमन, प्लीज अपसेट मत हो। गंजा को हमेशा सिर्फ मेरी फिक्र होती है, है ना? मैं ठीक हूँ गंजा। हाँ श्रवण, कुछ छूट गया क्या? हाँ, तुम्हारा बाय, जो भी तुमने मुझे बोला ही नहीं। श्रवण, मैं आई थी बाहर वहां पर, लेकिन तुम। अच्छा ठीक है, अभी बातें बंद करो और जल्दी से टेरेस पे आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। स्माइल के साथ मुझे बाय बोलो। अच्छी वाली स्माइल। सुमो पता सुमन, जब लोग बोलते हैं ना कि हम जोड़ियों में बनते हैं, तब सुनकर बड़ा फिल्मी सा, चीजी सा लगता है। पर फिर तुम दोनों को देखती हूँ, इस कनेक्शन को देखती हूँ, तो हर चीज पे यकीन होने लगता है। गंजा, मैं भी कहाँ पहले इन चीजों में विश्वास करती थी या मानती थी ये चीजें, तुझे तो पता है ना, याद कर। सुमन, तू कितनी अंकड़ हुआ करती थी, तुझे याद है? थैंक गॉड श्रवण तेरी लाइफ में आया और तुझे बचा लिया। चलो अब अंदर चलते हैं। नहीं एक्चुअली मुझे अभी कैंट जाना है, हम बाद में मिलते हैं। लीजिए चाय लीजिए। थैंक यू जो। माफ कीजिएगा, वो आज ऐसी अचानक मैं चली आई। अरे बीना जी, अब हम पड़ोसी नहीं हैं, एक परिवार है। माना कि सुमन अब हमारी बेटी है, लेकिन उससे आपका हक कम नहीं हो जाता सुमन पर। आप जब चाहें तब आ सकती हैं। असल में आज मैं सुमन से मिलने नहीं, बल्कि आज आपको मैं इस महीने का रेंट देने आई हूँ। वो क्या है कि श्रवण ने जो कर्जा लिया था, देवराज भाई साहब उसे चुका चुके हैं, तो अब रेंट कैसा देना। पर सोचा कि जब आपसे पहले बात हो चुकी है तो देते रहते हैं। अब सुना है कि श्रवण की पोस्टिंग किसी नई जगह हो गई है। जी, जैसे सुमन के लिए हमेशा प्रार्थना करती रहती हूँ, उसी तरह भगवान से प्रार्थना करूंगी कि श्रवण की पोस्टिंग भी यही हो जाए, इसी जगह। ऐसा हो जाए तो हमें भी बहुत खुशी होगी, लेकिन श्रवण यहाँ पोस्टिंग नहीं चाहता। अरे क्यों? उसे ऐसी जगह पोस्टिंग चाहिए जहाँ हैवी ड्यूटी हो, बड़े मिशंस वगैरह। अच्छा, अब देखते हैं कहाँ ट्रांसफर होता है उसका। श्रवण, अंदर आओ भाई। यस सर। जय सर। बड़ा इंतजार करवाया, कहीं जाना था और रुका हुआ हूँ। इतने बहादुर ऑफिसर को खुद बधाई दूं फिर जाऊं।
सर ये मेरे लिए भी बहुत स्पेशल है, बधाई हो मेजर मल्होत्रा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सभी को आगे बढ़ता देख अच्छा लगता है, पर कुछ अफसर स्पेशल होते हैं, उनमें से तुम एक हो। इस यूनिट में सभी को तुम पर गर्व है। थैंक यू सो मच सर। एंड सर आपने मुझे फोन पे बताया था ना वो पोस्टिंग के लिए, तो हमें लगता है कि तुम्हें सुनकर बहुत खुशी होगी कि तुम्हारी पोस्टिंग भोपाल बटालियन में की गई है। एक बार और बधाई हो तुम्हें। सर मैं कुछ समझा नहीं। क्या नहीं समझे? सर ये कि मेरी पोस्टिंग भोपाल में क्यों की गई है? ये कैसा सवाल है, क्यों की गई मतलब? क्या तुम्हें भोपाल से कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर। सर आप तो शुरू से जानते हैं कि मुझे फील्ड वर्क करना है, कोई ऐसी जगह पोस्टिंग जहाँ जहाँ एक्टिव मिशन हो। मैं भोपाल में क्या करूँगा सर? मेजर मल्होत्रा क्या आपको लगता है कि भोपाल में सोल्जर के लिए काम नहीं है? नहीं नहीं सर मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था सर। आपको एक ऑर्डर दिया गया है, बस उसे फॉलो करना है आपको, समझे मेजर? यस सर। डिसमिस। जय हिंद सर। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.